बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी कीमे वाला नान, और बहुत आसानी से हम घर में तंदूरी नान ये बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे, यानी आटा गूंदेंगे। मैदा मैंने लिया है एक पाव, एक टीस्पून हम लेंगे ईस्ट, ये एक्टिव है। आपने ज़्यादा पुराना ईस्ट नहीं लेना होगा। अगर आपका ईस्ट पुराना है रखा हुआ है तो पहले आप थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर उसको डालकर और चेक कर लें। अगर वो एक्टिव होता है, यानी कि वो फूलता है, तो फिर वो आपका कारामद है। अगर वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो आप उसे हटा दें। देखिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल। आप चाहें तो दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ पिसी हुई चीनी, एक खाने का चम्मच। नमक लेंगे हम एक टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अगर आप बहुत कम नमक खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, यानी हाफ टी स्पून डाल दें। एक चौथाई टी स्पून हम लेंगे खाने वाला सोडा। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना होगा। दो खाने के चम्मच हम दही लेंगे। एक खाने का चम्मच हमने लिया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, मगर ये बेस्ट रहता है ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नहीं लीजिएगा, जो आप जिससे कुकिंग करते हैं घर में वो ऑयल ले लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लीजिएगा, उससे क्या है कि आटा राइज नहीं होता है और ईस्ट काम नहीं करता है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसको हम गूंद लेंगे, और इसकी डो हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी होगी, क्योंकि हम नान बनाएंगे फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखें, इस तरह की हमें डो बनानी होगी, ज़्यादा ना सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। शुरू में हमने एक खाने का चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल लिया था, एक चम्मच हम और डालेंगे ताकि समेटना आसान हो जाए। अच्छे से ऐसे हमें अभी थोड़ा सा गूंद लेना होगा, 3 से 4 मिनट इसी तरह से गूंद लेना होगा आटा। देखें, आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है, इस तरह का हमें आटे को गूंदना होगा। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे कवर करके रख देंगे किसी गर्म जगह पे। अभी गर्मी का मौसम है तो ये 1 घंटे में राइज हो जाएगी। अगर ठंड का मौसम हो तो 2 से 2.5 घंटे और 3 घंटे भी लग सकते हैं, ये डबल हो जाए, इतना हमें इसको राइज करना होगा। जब तक आटा हमारा राइज हो रहा है, यानी डबल होता है, कीमे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच भर के खाने का कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसके डाल देंगे हम कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, और ये 1/2 kg यानी 1/2 किलो कीमा मैंने मशीन का लिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, जितना खाना पसंद करते हैं। अच्छे से कीमे को, लहसुन को हमें इतना पका लेना होगा कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पर हम गैस रखेंगे मीडियम। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना होगा, वरना क्या होगा, जब हम अपने नान बनाएंगे तो नान फटने लगेंगे अगर ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो। इसलिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच ही सिर्फ आप ऑयल लें, ज़्यादा ना लें। देखिए, कीमे का पानी रिलीज़ हो गया है, कीमे का कलर चेंज हो गया है। इसी में हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर, क्योंकि गरम मसाला पाउडर के अंदर भी ज़ीरा होता है, 1 टीस्पून लेंगे हम साबित धनिया कुटा हुआ। देखें, मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं। स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर लें, कम खाते हैं तो इससे भी कम कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। गैस को हम कर देंगे यहाँ पर मीडियम से स्लो, और इसे 10 मिनट पकने देंगे, क्योंकि मशीन का कीमा है, फ़ौरन गल जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो पानी है कीमे में उसको हम पहले ड्राई कर लेंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। देखिए, कीमे का पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर दिया है,
अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दो हरी मिर्च मैंने लिए, एक लाल वाली और एक हरी, इनको भी हम डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्च डालना ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया है, ये थोड़ा अच्छा डालिएगा, ये मैंने एक मुट्ठी करीब डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा नींबू का रस डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। गैस बंद करने के बाद ही हमें ये मसाले डालने होंगे, हरे प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब इसे हमें पकाना नहीं होगा, अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये मिक्स हो चुका है, अब इसे हम ठंडा करने रख देंगे। ठंडा होना ज़रूरी है, अगर गरम गरम आप नान में डालेंगे तो नान इससे ही फट जाता है। एक अंडा लेना है और उसमें हम मैंने छोटे चम्मच लिए दूध के, आप बड़े खाने वाले चम्मच ले सकते हैं, 2 से 3 चम्मच डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। ये हम अपने नान के ऊपर लगाएंगे। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप दूध भी ले सकते हैं। और आटा हमारा अच्छे से राइज हो चुका है, डबल हो चुका है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा खुशक मैदा लगा देंगे और इसका पहले हम एयर निकालेंगे। एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। देखें आटा कितना अच्छे से राइज हुआ है। अच्छे से इसको हमें इस तरह से रोल कर लेना है। इसमें से हम 3 नान बनाएंगे। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, मगर 3 सही रहते हैं। सबसे पहले इसका हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको फैला लेना होगा। बीच में से हमें इसको पतला नहीं करना होगा, बीच में से थोड़ा सा ये ठीक रहना चाहिए, किनारों से पतला करेंगे। अब इसमें हम कीमा डालेंगे। देखें कीमा इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि ये कीमे वाला नान है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखें सबका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, इससे क्या होता है कि फिर ये बाहर नहीं निकलता है। इस तरीके से हमारी स्टफिंग अच्छे से पैक हो जाती है। अच्छे से दबा कर इसको प्रेस करके इसे बंद कर देना है। थोड़ा सा हम सरफेक्स के ऊपर मैदा लगाएंगे और इसको पहले थोड़ा सा हम हाथों से बड़ा करेंगे। इससे ये होता है कि हर तरफ कीमा चला जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता करना होगा, मतलब हल्के हाथों से ज़्यादा, अगर आप टाइट हाथ करेंगे तो उससे क्या होगा, ये खुल जाएगा। देखें हल्का हल्का सा हम इसको बेल लेंगे, हल्के ही हाथों के साथ करना होगा क्योंकि इसमें कीमा है तो ये फट भी सकता है। फिर इसको हम हाथों से करेंगे दोबारा से, और यहाँ से हम हाथों के ही ज़रिए इस तरह से निशान बनाएंगे। इस तरह से अगर कोई बेलन है या जो भी है उसका आप इस तरह से लें और इस तरह से आपने के निशान बनाते जाना है। इससे क्या होता है, एयर निकल जाती है, वरना ये बीच में से फूल जाता है। और इसे मैं ओवन में बेक करूँगी। 10 मिनट पहले मैंने ओवन को प्रीहीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर। अब इसे हम ओवन ट्रे में रख लेंगे। नीचे आपने ये पेपर ज़रूर लगा लेना है, वरना क्या होता है, चिपक जाता है। अब इसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे। जो अंडा और दूध मैंने मिला के रखा था वो लगा देंगे। थोड़े से हम सफ़ेद तिल भी डाल देंगे और कलौंजी भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसे हमने बेक करने रख दिया है 180 डिग्री पर ही, मैंने इसको बेक करने रखा है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। अगर तैयार नहीं होता है तो आप इसमें 2 से 4 मिनट, 5 मिनट और मज़ीद आप इसे पका सकते हैं। हर ओवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो मेरा 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखें नान को पकने के अंदर 15 मिनट लगे हैं पूरे, और नान हमारा बनके अच्छा सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तंदूरी नान लग रहा है। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो घी लगा लें, बटर लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। इससे क्या है, एक तो शाइनिंग अच्छी आती है, दूसरा सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से मैं तमाम नान तैयार कर लेती हूँ कीमे वाले। नान बनके तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप घर के अंदर बहुत आसानी के साथ इनको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।
आप इन्हें तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, मैंने तंदूरी रोटी की रेसिपी दी है उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और शीरमाल की भी मैंने रेसिपी दी हुई है आपको, आप वो भी देख सकते हैं, उस तरीके से आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं, मगर मैंने ये ओवन में बनाए, और आप इस तरह से बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं।